ये टर्म तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सुने हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, जिसको ऐसा करके शो किया जाता है। मेटल अगर प्लस टू स्टेट में है और मेटल में कन्वर्ट होता है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज दो टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। नॉर्मली आज के दिन में द वे वी राइट, वी ऑलवेज राइट इन टर्म्स ऑफ एसआरपी, दैट इज स्टैंडर्ड, मतलब हायर ऑक्सीजन स्टेट पहले आएगा, लोअर ऑक्सीजन स्टेट बाद में आएगा। ये होता है रूल। एट द सेम टाइम यू शुड अंडरस्टैंड, रिडक्शन पोटेंशियल लिखने का मतलब ये नहीं है कि वो एलिमेंट रिड्यूस हो जाएगा। इट्स अ वे ऑफ राइटिंग, जैसे सॉल्यूशन का पीएच लिखते हो। तो एसआरपी का मेन रूल क्या है, तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑल ऑफ यू हैव रेड, द हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, द हायर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो यहां पे हम वो सब डिस्कस नहीं करेंगे। यहां पे जितना भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या फर्स्ट डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है, 3D सीरीज, जैसे आयरन, जिंक, टाइटेनियम, जो भी एलिमेंट्स होता है, अगर तुम कभी भी बुक से इनका इनॉड वैल्यूज चेक करोगे, सबका वैल्यूज नेगेटिव में आता है। कितना नेगेटिव होगा वो तो वैल्यू बेस्ड है, वो तो वैल्यू बेस्ड है, बट सबका इनॉड वैल्यू नेगेटिव आता है। अब तुम कहोगे सर इनॉड कैलकुलेट कैसे आप करते हो, उस पर हम आएंगे। इनॉड वैल्यू नेगेटिव होता है। कॉपर इज द ओनली वन, कॉपर इज द ओनली वन जिसका इनॉड वैल्यू पॉजिटिव आता है। सो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ऐसा करके चार मेटल का नाम लिख के दिया है और पूछा गया इनका वैल्यूज क्या होता है, 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। तो ऑलवेज रिमेंबर, कॉपर छोड़ के, कॉपर छोड़ के बाकी सभी का जो वैल्यूज होता है, वैल्यूज क्या होगा नोबडी नीड्स टू रिमेंबर इट, बट जो वैल्यूज होता है वो सब्सटेंशियली नेगेटिव होता है। जैसे जिंक का हमें याद होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग जब पढ़ते हैं वी ऑल रिमेंबर इट, 0.76 होता है। आयरन का भी कुछ होगा, सबका अलग अलग होता है, आयरन का शायद 0.44 होता है, अरे जितना भी होगा होगा। और कॉपर का होता है नॉट ओनली पॉजिटिव, 0.34। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन किसका नेगेटिव होता है और किसका पॉजिटिव होता है, ये हमने सीख लिया। अब सवाल है ऐसा क्यों होता है, देयर मस्ट बी सम रीजन ऑब्वियसली। तो जब हम, वी ऑल नो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू क्या, माइनस एन एफ ई नॉट, एम आई राइट? तो जब ये डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट हम करेंगे, किस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करेंगे, विल कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट व्हेन द मेटल सॉलिड विल बी कन्वर्टेड टू, the metal solid will be converted to hydrated metal in aqueous solution, जो भी metal का charge होता है। यहां से यहां पे जाने के लिए जो इसका delta G naught होता है या delta H naught, वो हम calculate करेंगे। That's the first thing. तो अगर तुम देखोगे Born-Haber cycle, मेटल नॉर्मली सॉलिड स्टेट में होता है, उसको पहले सब्लिमेशन एनर्जी देके मेटल गैस पे कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेप। सर सर सर, आपने बोला कॉपर का एसआरपी पॉजिटिव होता है, बट आयरन का, गोल्ड का, सिल्वर का भी तो होता है। मैंने 3D सीरीज में बोला है, 3D सीरीज, सॉरी सर, हाँ 4D 5D में गोल्ड का कॉपर का होगा तो उनका भी होगा ना, सेम आंसर आएगा। They all are members of the same group. अब जब ये मेटल गैस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हम यहां पे प्लस टू का बात कर रहे हैं, प्लस टू, तो हम आयनेशन पोटेंशियल वन
प्लस आयनेशन पोटेंशियल टू एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो मेटल क्या होगा, आयनाइज करेगा। बोथ दिस रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, बोथ दिस रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक मतलब दे एब्जॉर्ब एनर्जी, दे एब्जॉर्ब एनर्जी। और इसके बाद होता है द ग्रेट स्टेप ऑफ हाइड्रेशन। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज हाइड्रेशन, जहां पे द मेटल आयन अंडरगोस कूलंबिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन विद वाटर टू फॉर्म अ हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स। और यहां से जो एनर्जी रिलीज होता है उसको कहा जाता है, प्रोसेस का नाम है हाइड्रेशन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, जो ऑलवेज क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, जो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। Why, sir? जब किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी तो रिलीज ही होगा ना। केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़े थे हाइड्रेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। एक बार गई, सॉरी सर। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब अगर हम इसका पूरा डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करें या डेल्टा जी कैलकुलेट करें, क्या होगा, डेल्टा एस प्लस आईपी वन प्लस आईपी टू टूगेदर, आईपी या आई एक ही बात है, टुगेदर मैं दोनों एक साथ ले रहा हूं, वन एंड टू ऑफिशियली, प्लस डेल्टा एच, प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। बट अगर हम वैल्यू वाइज देखें, ये फर्स्ट वाला वैल्यू पॉजिटिव है, सेकेंड वाला वैल्यू भी पॉजिटिव है, और थर्ड वाला वैल्यू क्या है, नेगेटिव। ये तो एक्सपेरिमेंटल है ना, कि कोई आके सडनली तो कहा नहीं इनॉट कॉपर का पॉजिटिव होता है, एक्सपेरिमेंटल देखा गया है। नाउ कभी भी बुक्स खोल के किसी भी बुक्स में वैल्यूज गिवन होता है, अगर तुम देखोगे कॉपर इज परहैप्स द ओनली मेटल अमंग द 3D सीरीज जिसका ये जो पॉजिटिव वैल्यू होता है, कौन सा, ये जो पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव वैल्यू होता है, इस पॉजिटिव वैल्यू का जो टोटल मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज मोर देन द हाइड्रेशन एंथैल्पी। मतलब कॉपर में जो डेल्टा एस प्लस आईपी का समेशन वैल्यू होता है वो ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू क्या, डेल्टा एच का नेगेटिव वैल्यू। तो वी कैन डेफिनेटली से फॉर कॉपर, उसका जो डेल्टा जी नॉट वैल्यू है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तुम कहोगे दैट मीन्स सर बाकी का नेगेटिव होता है ना, ऑब्वियस है बाकी का नेगेटिव होता है, बाकी का नेगेटिव होता है। कॉपर का अगर पॉजिटिव है तो बाकी का, बाकी जो एलिमेंट्स है, ऑल अदर एलिमेंट्स, उनका डेल्टा एस प्लस आईपी का जो वैल्यू है दैट इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। तो अब तुम कहोगे सर आप कहना चाहते हो इसका वैल्यू पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो इनॉट तो नेगेटिव होना चाहिए। आपका आंसर उल्टा हो रहा है, उल्टा नहीं हो रहा है। तुमने यहां पे रिएक्शन कौन सा कंसिडर किया, देख के बताओ, तुमने यहां पे रिएक्शन कॉपर से कॉपर टू प्लस वाला किया, जो मैंने फ्लोचार्ट दिखाया इस पे कॉपर को मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूं, बट तुम जो वैल्यू लिख रहे हो वो कौन सा पोटेंशियल लिख रहे हो, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, बोलो, रिडक्शन। तो रिडक्शन लिख रहे हो ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल का जो डेल्टा जी नॉट होगा, जब तुम रिडक्शन पोटेंशियल लिखोगे यू शुड कंसीडर द रिवर्स रिएक्शन, एंड इफ यू कंसीडर द रिवर्स रिएक्शन तो उसमें कॉपर का डेल्टा जी नॉट क्या होगा, बोलो, नेगेटिव होगा, ऑपोजिट हो जाएगा ना, और बाकी एलिमेंट्स का, रेस्ट ऑफ मेटल्स का, जिसका डेल्टा जी नॉट अभी क्या हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा था, उसका एसआरपी रिडक्शन कंसिडर करोगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कॉपर का पॉजिटिव हो रहा था, रिवर्स करोगे तो नेगेटिव होगा। तो इनका यहां पे क्या था, सॉरी, इनका यहां पे नेगेटिव था, सॉरी, नेगेटिव लेस बोला मैंने, नेगेटिव था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब तुम बताओ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एनएफ ई नॉट, एम आई राइट? तो जिसका डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है, जिसका डेल्टा जी नॉट फॉर एसआरपी पॉजिटिव है, तो उसका इनॉट तो नेगेटिव ही होता है ना, तो नेगेटिव ही तो हो रहा था,
तो नेगेटिव ही तो हो रहा था ना, तो तुमसे एक ही सवाल पूछा जाएगा, कॉपर का इनॉर्ड वैल्यू पॉजिटिव होता है, फैक्ट है राइट, इसका पीछे रीजन क्या है? रीजन तो यही है, जब कॉपर ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होता है जो मैंने सिंबॉलिकली तुम्हें दिखाया था, उसके बाद मैंने उसका रिवर्स वाला कहा, बट दिखाया तो ऑक्सीडेशन वाला ही, उसका डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होता है। और क्यों पॉजिटिव होता है? बिकॉज द हाइड्रेशन एंथैल्पी इज लेस देन द हाइड्रेशन एंथैल्पी इज लेस देन द समेशन ऑफ क्या, डेल्टा एस प्लस आई पी। बस ये नोट करके रखो, ना तुमसे कोई वैल्यू पूछेगा ना कुछ पूछेगा। So, Cu2, Cu+2 in NCERT there is another potential, but उसको पढ़ने का जरूरत नहीं, जस्ट इंफॉर्मेशन है। जैसे हमने M2+ आयन से M मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिस्कस किया, तो इस ऑक्सीजन से का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज होता है, इसका भी वैल्यूज होता है, बट इसको लेके कोई खास डिस्कशन का जरूरत नहीं, इसलिए आई हैव अवॉइडेड दैट, देयर इज नो नीड फॉर दैट। तो जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा। अच्छा, देयर इज अनदर, बिकॉज हमने हाइड्रेशन का बात यहाँ पे किया है, तो रिलेटेड टू हाइड्रेशन देयर इज वन फेमस क्वेश्चन कि कॉपर प्लस वन स्टेट जो होता है, कॉपर प्लस वन स्टेट, इसको जब भी तुम एक्वा सोल्यूशन में रहने देते हो, इट नॉर्मली अंडरगोज अ टेंडेंसी ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन टू कॉपर प्लस टू एंड मेटालिक कॉपर। तो सवाल ये आता है, ये डिस्प्रोपोर्शन करता क्यों है, why does it undergo disproportionation? A very clear answer, copper plus 1 ka configuration d10 hota hai jo stable hai, aur lekin mera point ye hai, tum jo stability dekh rahe ho, ye stability kahan pe dekh rahe ho? Based on atomic structure, based on electronic configuration, yes, aur hamara jo stability yahan pe hum discuss kar rahe, kis pe kar rahe, इन एक्वा सोल्यूशन। सो एक्वा सोल्यूशन में एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी से 1000 टाइम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसका D9 है, आई एग्री, बट तुम्हें शायद मालूम है हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ द आयन। तो कॉपर का जितना चार्ज ऑफ द आयन ज्यादा होगा, उतना हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है। तो कॉपर जब प्लस टू में होता है, क्योंकि उसका चार्ज प्लस टू है, इसलिए उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी डेल्टा एच हाइड्रेशन ऑफ Cu2+ इज ग्रेटर देन Cu+ ऑब्वियसली। सो ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, द रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कॉपर प्लस वन डिस्प्रोपोर्शनेट करके कॉपर प्लस टू में चला जाता है, इसलिए कॉपर प्लस वन स्टेट पे कंपाउंड्स तुम खूब रेयरली देखोगे। याद होगा हम लोग जब व्हाट इज कॉल्ड सॉल्ट एनालिसिस पढ़े थे, वहां पे देखे थे Cu2I2, वो तो आयोडीन रिड्यूस करके कॉपर को प्लस वन में ले आता है। इसको छोड़ के नॉर्मली कॉपर प्लस वन स्टेट में बहुत ही कम रहता है। नोट लिखा सकते हो क्या प्लीज? क्या लिखा दो? वर्ड्स में। ऑलरेडी तुम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पढ़ चुके हो, सो देयर इज नथिंग मोर टू डिस्कस अबाउट इट। इन डिटेल्स यू हैव स्टडीड दिस चैप्टर, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, नथिंग टू राइट मच, कंबाइंस विद लिगैंड्स, सब कुछ तुम लोग पढ़ चुके हो, ये चैप्टर ही अलग है, बट ये प्रॉपर्टी के अंदर आता है। यस, विद लिगैंड्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस।
Next property is a very small property, nothing much about it, just informative, right? For Benz, catalytic property. All of you know the transition elements or D-block elements. अब तुम इसका एग्जाम्पल पूछोगे तो देर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स. वैनेडियम पेंटोक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है. और तुम और भी बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही में बताऊंगा. निकेल यूज होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में. पीडीबी CR2-3O उसमें यूज होता है एरोमेटाइजेशन में. आयरन मॉलिब्डेनम यूज होता है हेबर्स प्रोसेस में, जिसपे अमोनिया बनता है. और भी एग्जांपल्स होता है, ऐसा नहीं कि आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट दिस टू, देयर आर वेरियस एग्जांपल्स. Noted. Noted. Yes, sir. Yes, sir. And last, ये भी तुम लोग coordination compound के अंदर definitely your teacher must have taught formation of colored complexes or colored ions. Whenever electron jumps from a lower orbital to a higher orbital, energy needs to be absorbed. और जो energy absorb होता है, ऐसा रूल नहीं कि विजिबल रेंज में होगा, जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगा उसका कंप्लीमेंटरी कलर एमिट होता है, राइट? तो अगर वो कलर जो एमिट हो रहा है विजिबल रेंज में होता है, देन वी कैन सी. और अगर यूवी या आईआर में होता है, वी कैन नॉट सी, ऑब्वियस है. तो जितना भी ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस होता है, उस पर ऑल ऑफ यू नो, वंस द लिगैंड अप्रोचेस द डी ऑर्बिटल्स आर स्प्लिटेड अप. नीचे होता है T2G और ऊपर में होता है EG. तो ये जो सेम डी सबशेल है, वन इज लोअर वन इज हायर. तो व्हेनेवर द डी ऑर्बिटल्स आर पार्शियली फिल्ड, व्हाट डज इट मीन? कि इट शुड नॉट बी D0 और इट शुड नॉट बी D10. ये दोनों नहीं होना चाहिए, बिकॉज इस पे डी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये कंप्लीटली फिल्ड. इसको छोड़ के अगर पार्शियली फिल का मतलब होता है ऑफिशियली D1 to D9, अगर वो D1 से D9 होता है तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लोअर लेवल कैन जंप टू द हायर लेवल. और जब भी जंपिंग होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा. और कैलकुलेट करके देखा गया, इफ द जंपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन T2G and EG set, इसका जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो कलर एमिट होता है वो विजिबल रेंज में रहता है,
इसलिए तुम देखोगे अगर फेरोसाइनाइड आयन, फेरोसाइनाइड आयन में ऑल ऑफ यू नो आयरन प्लस टू में है, तो आयरन प्लस टू का मतलब क्या है? D6। अब कौन सा कलर एग्जैक्टली एब्जॉर्ब करेगा वो तो डिपेंड करेगा क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग के ऊपर, जो प्राइमरीली लिगांड्स का नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। पर फिर भी अगर हम ये बात करें कि ये कंपाउंड कलर्ड होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली कलर्ड होगा। तो इसी ट्रांजिशन को हम लोग क्या कहते हैं? DD ट्रांजिशन, मतलब एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम डी लेवल, बट द डी लेवल्स हैव बीन स्प्लिटेड ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो तुम लोग पहले ही पढ़ चुके हो। तो जब भी तुम्हें यह सवाल एग्जाम में दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर कलर्ड, तो तुम्हें इमीडिएटली डीडी ट्रांजिशन के बारे में सोचना है। और इस पे ये सोचना है अगर मेरा सिस्टम D1 से D9 है तो कलर कैन बी एग्जिबिटेड, और अगर ये सिस्टम D0 या D10 है देन कलर डेवलप करना थोड़ा डिफिकल्ट है ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। तो एग्जाम में इसके ऊपर दो क्वेश्चन रहते हैं, मैं दिखा रहा हूं, पहले लिख लो ना, इस पे लिखने का कुछ है नहीं, ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन में पढ़े। सो इफ यू हैव रिटन डाउन लेट मी गिव द क्वेश्चन देन वी विल अंडरस्टैंड। कॉपीड Yes, sir, copy. Sir, वो T2G क्या था? Coordination complex पढ़े हो ना? ऑप्शन बी में वो -3 है कि -2? -2। ओके, यू कैन हैव मोर देन वन आंसर करेक्ट ऑल्सो। फर्स्ट ये क्वेश्चन है, सेकेंड try both these questions. In order to answer to the first question, basically you have to find out the number of d electrons in each of them. Then only you can have the answer. First question mein dekho, copper plus one state mein hai. Toh D10 won't be colored.
यहां पे कॉपर प्लस टू है तो डी नाइन विल बी कलर्ड. टाइटेनियम प्लस टू, टाइटेनियम एस टू डी टू होता है बट इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट रिमूव फ्रॉम एस एंड देन फ्रॉम डी, तो इस पे डी टू होगा, ये भी कलर्ड होगा. स्कैंडियम इज एस टू डी वन, वेर यू रिमूव ऑल द थ्री इलेक्ट्रॉन्स, स्कैंडियम विल बिकम डी जीरो, कलर्ड नहीं होगा. Got the answer? Second question. The wavelength absorbed depends on the value of splitting energy, delta E, because we all know wavelength is inversely proportional to energy. और डेल्टी का वैल्यू मेटल सेम है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लिगैंड का नेचर के ऊपर. सो मुझे एक चीज बताओ, लुकिंग एट द फोर लिगैंड्स, कौन कौन था, सीएन, नाइट्रो, वाटर और क्लोरीन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फील कौन है, सीएन, तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, डेल्टा ई का ऑर्डर क्या होगा बोलो, सीएन और डेल्टा ही, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है तो ऑब्वियसली ये अगर डेल्टा ही का ऑर्डर है तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा, सीएल वाटर एनओ टू माइनस सीएन माइनस हो गया. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ बोला, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ सीएल का होगा, फिर वाटर, फिर नाइट्रो, फिर सीएन. Noted? Yes. So just a minute. Hard answer. So this was about a general study of D block jo bhi tha. Now as I've told you last day, in the last part of the D block, there are certain compounds. और आयंस जिसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल्स पे पढ़ना है. वो कौन कौन है, लेट्स स्टार्ट विद इट. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स. फर्स्ट इज ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस. ऑक्साइड्स मतलब जो ऑक्साइड्स होता है,
सर स्कैंडियम ऑक्साइड नहीं बनाता है, स्कैंडियम की ऑक्साइड आयोनिक नहीं होती। आयनिक नहीं होता है। ऐसा लिख लो, ऑल मेटल्स स्कैंडियम फॉर्म्स एमो ऑक्साइड, मतलब मेटलिक ऑक्साइड विच आर आयनिक। और ये बहुत ही क्लियर है कि किसी भी मेटल का जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उतना वो एसिडिक होता रहता है। अब कौन एसिडिक होगा या कौन बेसिक होगा ये तो मालूम करना जरूरी है। इफ आई गिव यू मेटल्स इन थ्री डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट 3, 5, 7, तो 7 इज मोर एसिडिक, 3 इज मोर बेसिक, बट एग्जैक्टली बेसिक है या नहीं है वो तो नॉलेज बेस्ड है। तो वंस यू कॉपी इट आई विल टेल यू अबाउट इट। सर एक मिनट के लिए प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ना। ओके सर, किसी के पास स्नैप है तो भेज दो। Noted? Yes, sir. Because this information are given in books, they will directly ask you questions. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मैंगनीज आया और क्रोमियम से। सर ये MN3O4 उसके जैसा है क्या, MNO.MN2O3? यस यस, दोनों मिला के होता है। अच्छा, जो जो एग्जांपल्स होता है वो मैं सब लिख देता हूँ। वो 6-7 कंपाउंड देके पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक, और जो मैं लिख के दे रहा हूँ यहीं से पूछेगा, बस यही बुक्स में होता है। स्पेशली फ्रॉम द ट्रांजिशन, तो वहां पे ये अगर कहोगे सर हाउ डू आई नो, नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू। बस ये नाम देख लेना ध्यान से। और अगर कंपेरेटिव स्टडी पूछा जाए, जैसे इफ दे पिक यू दिस वन एंड दिस वन, और इन तीनों में पूछेगा अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी, दैट यू कैन डू। वो मैंने बताई दिया, हायर द ऑक्सीजन स्टेट हायर इज द एसिडिक कैरेक्टर। Noted.
After this, there are two famous compounds जिसके बारे में हमें थोड़ा पढ़ना है. One is potassium dichromate and the other one is KMnO4. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, उसका preparation और reactions. First हम लोग preparation में आ रहे हैं potassium dichromate का. You have to just memorize this. यहाँ से direct question आता है. K2CR2O7 के बाजू में 1 का क्या मतलब है? कुछ नहीं है. ओके. ये स्टेप 1 है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप. Noted.
दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, हीट करने से क्या होता है. और दूसरा ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमेट को तुम एसिडिफाई करोगे तो डाइक्रोमेट होता है, और डाइक्रोमेट को एल्कलाइन करोगे तो क्रोमेट होता है. ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नोटेड? यस सर. क्रोमेट का यही स्ट्रक्चर होता है. और अगर रेजोनेंस करोगे तो दे विल हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. वो तो हर में ही होता है. ऑल ऑफ यू नो अबाउट रेजोनेंस. और डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. ये टेट्राहेड्रा होता है. दिस आर द टेट्राहेड्रा विच आर जॉइंट टुगेदर. दो टेट्राहेड्रा होता है. इस पे ये जो बॉन्ड लेंथ होता है, ब्रिज वाला बॉन्ड लेंथ, डोंट मेमोराइज द वैल्यूज, इतना याद रखना. दिस बॉन्ड लेंथ इज लार्जर. और यहां का जो बॉन्ड लेंथ होता है रेजोनेंस के बाद डबल सिंगल मिला के, ये 162 या 60 पिकोमीटर के आसपास होता है. And this bond angle is roughly 126 degree. And K2CR207 is a very good oxidizing agent, as all of you know, with a standard reduction potential value of approximately 1.36 volt. फिर इसमें हमने वो रेड एंड ब्लैक स्क्वायर्स क्यों बनाया सर, हमको समझा नहीं. क्या वो रेड एंड ब्लैक आउटलाइन जो भी है आपने वैसे है ना, टेट्राहेड्रल शो किया. टेट्राहेड्रल शो किया. हां ओके सर. वो नंबर्स याद में रखने ना, नंबर्स पे कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है उतना याद रखना. ओके सर. ओके सर. थैंक यू सर. As अच्छा, one more thing, K2CR207 या CR207 two minus जो है, it can only act as an oxidizing agent in acidic medium. It can only act as an oxidizing agent in acidic medium. और उसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर. एंड फॉर पोटेशियम डाइक्रोमेट द एन फैक्टर इज 6, बिकॉज वो प्लस 6 से प्लस 3 में रिड्यूस होता है. सो इट इज 294 डिवाइड बाय 6
इक्विवेलेंट वेट ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है बिकॉज इट कैन ओनली रिएक्ट इन एसिडिक मीडियम नॉट इन अदर मीडियम्स एंड एज इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सो इट कैन ऑक्सीडाइज आयोडाइड टू आयोडीन. डाइक्रोमेट जब किसी को ऑक्सीडाइज करेगा खुद ऑलवेज Cr3+ पे रिड्यूस होता है. Similarly, it can oxidize sulfide ion to sulfur. Ferrous ion to ferric ion. जैसे ऑक्सीडेशन होता है उसी को कर सकते हैं ऑक्सीडाइज. And nitrite ion, NO2-, nitrite ion to nitrate ion. But ये जो भी reaction होगा सब कौन सा मीडियम में होगा? एसिडिक मीडियम में, बिकॉज बाकी मीडियम में वो कोई रोल प्ले कर ही नहीं सकता है. Fe2+ के नीचे का क्या? Fe2+ से Fe3+ होता है. नहीं, वो नीचे कुछ नहीं है, वो यहाँ पे लिख दे नंबर 4, वहां पे स्पेस नहीं था. ओके, नाइन सर. Done. सर एक बार प्रीवियस स्लाइड बता सकते? मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, देख लेना क्या है. Noted. नेक्स्ट कंपाउंड इज KMnO4. दो ही कंपाउंड के बारे में पढ़ना है. डाइक्रोमेट हो गया, KMnO4. तो इसका भी वही चीज, प्रिपरेशन दो स्टेप में होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम MnO2.
सर आज क्लास 9:30 तक है? नहीं, जब खत्म हो जाएगा। Noted? Yes, sir. मतलब इक्विवेलेंट वेट जैसे डाइक्रोमेट एक ही मीडियम में ऑक्सीडाइजेशन का रोल प्ले करता है, और वो कौन सा मीडियम होता है? एसिडिक मीडियम। इसलिए उसका इक्विवेलेंट वेट पूछने के समय मीडियम मेंशन नहीं होता, एक ही मीडियम में काम करता है। बट KMnO4 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल द थ्री मीडियम्स। उस पर सबसे कॉमन ये होता है, आई डू एग्री विथ यू, सबसे कॉमन और सबसे अनकॉमन बेसिक मीडियम होता है। और थर्ड मीडियम जो होता है वो ऑफिशियली न्यूट्रल बोल के कुछ नहीं होता है, इट इज वेरी क्लोज टू न्यूट्रल, न्यूट्रल और फेंटली बेसिक। यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई थ्री, बिकॉज यहाँ पे इनफैक्टर थ्री होता है। तो जब भी तुम्हें वो सवाल पूछा जाएगा उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है,
इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू नो कौन सा मीडियम का वो बात कर रहा है. एंड इवन इफ यू डोंट लुक एट दर ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल वैल्यूज, KNO4 का जो पोटेंशियल वैल्यूज होता है तीनों मीडियम में सेम नहीं होता है. एसिडिक मीडियम में उसका जो E0 होता है वो होता है 1.51 वोल्ट, जो तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो. और ये जो फेंटली बेसिक मीडियम है इसपे उसका E0 सबसे ज्यादा होता है 1.7 वोल्ट. और बेसिक मीडियम में उसका जो E0 होता है That is 0.56 वोल्ट. तो ये भी सवाल एग्जाम में आ सकता है कि KNO4 का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो द हायर द वैल्यू ऑफ SRP हायर इज द क्या ऑक्सीडाइजिंग पावर. तो KNO4 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इन विच मीडियम, फेंटली बेसिक और न्यूट्रल, फिर एसिडिक, फिर बेसिक. ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है.
Noted. Noted, all of you. Yes. Now, KMnO4 is a good oxidizing agent. तो एसिडिक मीडियम में जो उसका समर सबसे कॉमन मीडियम होता है वो किसी को भी अगर ऑक्सीडाइज करता है किसी को भी जैसे NO2 माइनस है इस पे तुमने MnO4 माइनस डाल दिया मीडियम एसिडिक है तो MnO4 कहां पे कन्वर्ट होगा Mn2 प्लस में और नाइट्राइड को क्या करेगा नाइट्रेट सिमिलरली सल्फाइड को क्या करेगा सल्फर आयोडाइड को क्या करेगा आयोडीन सल्फाइड को क्या करेगा सल्फेट जो ऑक्सीडाइज करता है वही करेगा और खुद हर केस पे क्या होगा Mn2 प्लस पे रिड्यूस होगा बिकॉज ऑल द मीडियम्स आर एसिडिक लेकिन फेंटली एसिडिक अल्कालाइन मीडियम में फेंटली अल्कालाइन और न्यूट्रल मीडियम में एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है KMnO4 का अगर तुम MnO4 माइनस I माइनस के साथ रिएक्शन करोगे तो यहां पे भी ऑक्सीडाइज होगा तो MnO4 माइनस देखो कहां पे कन्वर्ट होता है MnO2 पे कन्वर्ट होता है और Ki को I माइनस या Ki जो भी तुम लेते हो उसको ऑक्सीडाइज करके KiO3 करेगा प्रोडक्ट्स अलग होता है जैसे आयोडीन से आयोडाइड होता है एसिडिक मीडियम में यहाँ पे आयोडाइड से आयोडीन नहीं होता IO3 माइनस हो जाता ये रिएक्शन प्लीज नोट रखना और एक रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है न्यूट्रल मीडियम में कि कभी भी अगर तुमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है परमांगनेट आयन को MnO4 माइनस को Mn2 प्लस के साथ ट्रीट किया इन न्यूट्रल मीडियम इट फॉर्म्स MnO2 प्लस H प्लस और इस रिएक्शन को कॉम्प्रोपोर्शन कहा जाता है द रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है एक ऑक्सीजन स्टेट ब्रेक्स अप इनटू टू वन हायर वन लोअर यहां पे उल्टा हो रहा है one higher and one lower combines to form an intermediate state. इसको कहा जाता है comproportion.